चलिए एक और नई टॉपर से मिलते हैं। निमसेट 22 की टॉपर है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 33 है, अग्निदीप्ता जो कि कोलकाता से हैं और इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है। तो सबसे पहले बेटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। थैंक यू सर। और बेटा आपने क्योंकि फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव करी है और फाइनल ईयर के साथ रैंक अचीव करने का मतलब है एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना और ग्रेजुएशन के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को कॉम्पिटेटिव पढ़ाई को भी मैनेज करें, इस दोनों बातों का कॉम्बिनेशन रहा होगा आपका। तो मैं चाहूंगा कि आपकी सक्सेस जर्नी क्या थी, कब आपने सोचा, फिर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की और इतनी अच्छी रैंक कैसे अचीव की, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहेगा, साथ में आपका स्कोर कितना था। ओके सो मेरा स्कोर 715 था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एमसीए करूंगी फ्रॉम लाइक माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, फ्रॉम द मिडिल ऑफ माय सेकंड ईयर। तो 2020 के मिडिल तक मैंने डिसाइड किया कि आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो मुझे फाइनली लगा कि एमसीए शायद मुझे सूट करेगा। तो तब आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो इम्पेटस गुरुकुल का नाम मैंने तभी सुना था एंड आई चेकड आउट योर चैनल। तो मुझे तभी से बहुत सारे वीडियोज देखने को मिले, तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज 2020 में लिया था टू जस्ट सी हाउ द मॉक टेस्ट आर। तो मैंने तभी से 2020 के एंड से मैंने मॉक टेस्ट ही देना शुरू कर लिए थे, क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा था तो मुझे वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी, बस सेल्फ स्टडी से हो गया था। कुछ एक दो बुक्स मैंने फॉलो किए थे आरडी शर्मा के बस, और आपके मॉक टेस्ट देने मैंने 2020 से शुरू किया था। तो तब मॉक टेस्ट में स्कोर अराउंड 500-600 आ रहा था, तो मुझे लगा कि इससे नहीं होगा, इससे शायद टॉप कॉलेजेस ना मिले, तो आई एम फॉर लाइक 700-750। तो 2021 में मैंने फिर से 2021 का जो मॉक टेस्ट सीरीज था मैंने वो लिया एंड लेटर आई टुक द मैजिकल कैप्सूल कोर्स। तो ये टेस्ट्स मैं कंटिन्यूस देती रही और आई एनालाइज देम, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, स्पेशली मैजिकल कैप्सूल से तो और भी ज़्यादा टेस्ट हुआ, बिकॉज आई थिंक एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर रहे थे टू सम एक्सटेंट। तो या बस रेगुलरली मॉक टेस्ट दिए थे मैंने स्पेशली लास्ट 2 वीक्स और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी से हो गया। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आप टेस्ट पेपर देते थे उनको किस ढंग से आपने एनालिसिस किया, क्या आपका मैसेज होगा, क्योंकि आपने फाइनल ईयर के साथ निकाला है। अक्सर बच्चे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं वो घबराते हैं कि पता नहीं दोनों मैनेज होंगे कि नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनका मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वो पहले मॉक टेस्ट ना दे, जो मैंने किया था, तो मैथ्स पहले रिवाइज कर ले, थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर ले तो बेहतर रहेगा, उसके बाद स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फ्रॉम थर्ड ईयर। मैं जो कह रही हूँ कि सेकेंड ईयर में अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एमसीए करना है तो मैथ्स से स्टार्ट करो, जस्ट रिवाइज मैथ्स एंड देन थर्ड ईयर से इफ यू वांट सिट फॉर द मॉक टेस्ट। बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं आप सबको आपको ये कहना चाहूंगा, अब आप एनआईटी त्रिची जाएंगे ऑब्वियसली, वहां जाके भी सर, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे एनआईटी त्रिची जाना है या सूरत कल। ओके, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो, देखो आपके पास चॉइस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपके पास ऑप्शन हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या है वो देखें, आप त्रिची भी जाएंगे सूरत कल भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी बच्चे को जब कोई बच्चा पूछता है कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ पहले बताओ आपके पास चॉइस क्या क्या है। आज आपकी जो रैंक है ना, आपके पास ऑल एनआईटीज अवेलेबल है, आप जिस एनआईटी में जाना चाहोगे आपको वही एनआईटी मिलेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको त्रिची जाना है या सूरतकल जाना है या इलाहाबाद जाना है, जो भी जाना है। सर आपका सजेशन क्या है? मेरा सजेशन होगा अगर आप त्रिची जाएं तो बेस्ट है, अगर कोई और रीजन हो अलग बात है, अदरवाइज आप त्रिची जाएं, वहां और ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर का, सूरतकल में भी बहुत अच्छा, सभी अच्छे हैं कॉलेजेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से और एक्सपोजर के हिसाब से मैं कहूंगा, क्योंकि देखो आप जिस कॉलेज में जाएंगे हर कॉलेज में एक पर्टिकुलर रैंक वाले बच्चे होते हैं, तो एक जैसे बच्चे मिलते हैं तो उसके एडवांटेज मिलते हैं। तो मेरा तो सजेशन ये होगा कि आप त्रिची जाएं। ठीक है बेटा, तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन आपके फैमिली मेंबर्स को भी, आपको भी। अब आप ऐसे ही
जिस भी कॉलेज में जाए, चाहे त्रिची में जाए चाहे सूरतकल में, वैसे ही वहां पर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करिए फर्स्ट सेमेस्टर से, और कॉम्पिटेटिव कोडिंग कोडिंग इन सब पे बहुत वर्क करिए, क्योंकि जब कंपनियां आएंगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा आपका डेवलप मतलब आप चीजें स्किल डेवलप करोगे लैंग्वेज में, उतना अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है बेटा, चलो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।